अक्षु मुंह नहीं धोया ठीक से, हल्दी अभी भी लगी हुई निकली नहीं, जल्दी से धो कर आ जा। दीदी मैंने धोया पर ये निकल ही नहीं रहा है, अब कैसे भर जाएगी तू? लक्ष्मी दीदी आ गई। अरे लक्ष्मी तुम इतने बड़े घूमते में क्यों? शादी के पहले लड़कियां फूल ही नहीं समाती, ये पील ही नहीं समा रही है। मंगल लक्ष्मी सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई बहुत जल्द यहाँ पर कार्तिक और लक्ष्मी की हल्दी सेरेमनी होने वाली है। जो यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने, हमें देखने को मिल रहा है कि भाई मंगल अपनी बहन यानी लक्ष्मी की शादी के लिए काफी मेहनत से पैसों का जुगाड़ कर रही है। और यहाँ पर हमें एपिसोड में देखने को मिल रहा है कि वो सात्विक बनाकर लक्ष्मी की शादी के लिए पैसों का इंतजाम करती है, और इसी बीच मंगल जो है खाना बनाने में काफी स्ट्रगल भी करती है। एंड मौके पर उसके घर का गैस भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत मेहनत करती है, और इसी बीच यहाँ पर जल्दबाजी में मंगल का हाथ भी जल जाता है। लेकिन लक्ष्मी को याद कर यहाँ पर उसे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली मंगल जो है सात्विक भोजन बनाकर तैयार कर देती है और उसे सही समय पर पेमेंट भी मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि भाई मंगल जो है अपने घर परिवार का काफी ज्यादा केयर करती है, और सबके लिए उसने कुछ ना कुछ लिया ही हुआ है, और उन सभी लोगों का उसने पैकिंग भी किया है। लेकिन यहाँ पर कुसुम को एक बात बहुत खटकती है, और ये बात ये होती है कि भाई मंगल ने सबके बारे में सोचा लेकिन मंगल अपने बारे में कभी भी नहीं सोचती, और ये बात जो है कुसुम को बहुत ज्यादा खटकती है और वो बहुत इमोशनल हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इस बार कुसुम ने मंगल के लिए एक नई साड़ी ली है, और वो उसे नई साड़ी गिफ्ट करती है, जिसे देखकर हमारी मंगल जो है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और खुश भी हो जाती है। इसी के साथ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई कार्तिक का एक लेटर मिलता है उसकी बुआ जी को यानी कि संजना को, और उस लेटर में लिखा होता है कि मैं जा रहा हूँ, और ये लेटर जो है वो सभी घर वालों को देती है, और सभी घर वाले शॉक में आ जाते हैं, और सबको लगता है कि भाई एंड मौके पर अपनी शादी के एक दिन पहले कार्तिक कहाँ चला गया। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई अचानक से कार्तिक आ जाता है, और वो कहता है कि मैं तो जॉगिंग पे गया था, आपने तो पूरा लेटर पढ़ा ही नहीं, और लेटर के आगे लिखा होता है कि मैं जा रहा हूं, और पीछे लिखा होता है जॉगिंग पर। तो यहां पर सभी घर वाले हंसने लगते हैं, और सभी राहत की सांसें लेते हैं कि भाई कार्तिक कहीं गया नहीं। और वो बताता है कि मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, और यहां पर सभी घर वाले राहत की सांसें लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई लक्ष्मी के घर पूरी तैयारियां हो रही है हल्दी की, और यहां पर अभी भी शांति जी और लिपिका मिलकर भाई बहुत परेशान कर रहे हैं लक्ष्मी को, भाई इतनी सीधी शादी है उसे उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई यहाँ पर लक्ष्मी अपनी हल्दी खुद ही बनाती है, अपना लेप खुद ही बनाती है, और आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने वाले हैं कि भाई इस बार लिपिका जो है कुछ तो मिलावट करने वाली है हल्दी में, ताकि लक्ष्मी की हल्दी जो है लक्ष्मी की शादी और हल्दी दोनों बर्बाद हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार कार्तिक जो है एक नई प्लानिंग के साथ सामने आएगा, और वो कहीं ना कहीं इस बार लक्ष्मी को मजा चखाने वाला है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि भाई लक्ष्मी ने उसके साथ डबल गेम खेला है, और इस बार कार्तिक ने ये भी ठान लिया है कि वो अपने प्यार जिया को पाकर रहेगा।